मैं बीएससी बायोलॉजी से किया हुई है, मुझे 12,000 रुपये मिल रहे हैं बीएससी बायोलॉजी वाला। आप बताओ एग्रीकल्चर कोर्स करे तो क्या करेगा 12,000 में? आप चला के देख लो, या जिनका नहीं हो रहा, जिनकी लाख लाख दो दो लाख रुपए सैलरी है उनका चला के देख लो, आप उनको दे के देख लो ना एक बार 12,000 रुपये। और वो तब बताए मुझे 12,000 में उनका काम चल रहा है नहीं चल रहा, बच्चे पल रहे नहीं पल रहे हैं, खाना टाइम से मिल रहा है नहीं मिल रहा, फीस जमा हो रही है नहीं हो रही है, दवाई या फलाना ठिकाना दुनिया भर ना हॉस्पिटल है ना कुछ है, क्या करे 12,000 में? 12,000 कम है ना, और क्या कम है? क्यों नहीं कम है? राशन गैस बिजली पानी कहाँ मिल रहा है? किसको मिल रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि हम राशन बांट, मोदी जी जिसको दे रहे होंगे उसके दे रहे होंगे, हमें नहीं मिल रहा ना, हमें चाहिए। हमें मेहनत का करते हैं, मेहनत का बहुत है हमारे लिए, जिनका फिर को चाहिए ना उनको बढ़िया है, वो अपने खाए और मजे ले। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एनडीएमसी के कर्मचारियों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किस बात को लेकर किया जा रहा है और क्या इनकी मांगे हैं वो इनसे समझेंगे। आखिर इनको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या मामला है सर आपको जंतर मंतर पर आने? सर सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है SC ST कर्मचारी फ्रंट के नेतृत्व में चल रहा है, जो एक यूनियन है, और ये जो धरना बैठा हुआ है ये है RMR को पक्का करने के लिए सर, RMR को स्थायी करने के लिए। RMR एक मतलब ये जो है मिस्ट्रोल के उस रूप में होते हैं, बस ये हटाए नहीं जाते हैं, लेकिन इनको 2020 में, अगस्त 2020 में इनको जो है स्थायी मान लिया गया है काउंसिल के द्वारा, लेकिन आज भी इनको वो सुविधा नहीं दी जा रही है। बस एक ही मांग है कि जिस तरीके से आपने 2020 में इन NDMC कर्मचारियों को स्थायी करने का जो आपने वादा किया है और जो काउंसिल के अंदर पास कर दिया है, इनको वो पूरी सुविधा दी जाए, ये हमारी सिर्फ मांग है। RMR को पक्का करने की मांग है, और एक मांग और थी DTL की, उसके साथ में और कुछ नहीं सर। तो अभी क्या रिस्पॉन्स मिला है सरकार की तरफ से? सर सरकार की तरफ से अभी तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, बस हमारी जो मांग है वो हमारे अधिकारियों से, अधिकारी आश्वासन देते हैं लेकिन पूरे तरीके से अपने बातों पर खड़े नहीं उतर पा रहे सर। यही जो चल रहा है धरना, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, उनके कानों तक पहुँचे। अभी हम जो है वाइस चेयरमैन साहब से मिले थे, उपाध्याय जी से, हमारे अशोक कुमार जी जो प्रेसिडेंट हैं, जो इनके नेतृत्व में ये चल रहा है धरना प्रदर्शन, तो वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं खुद वहाँ पर आऊँगा और आपकी समस्याओं को, मतलब वहाँ पर जो भी समस्या है आप मुझसे कह सकते हैं। तो इस बार उन्होंने आश्वासन दिया कि वो लोगों के बीच में आके अपनी बात रखेंगे कि वो कितने कहाँ तक हमारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। जिस दिन ये RMR को पक्का कर देंगे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा सर, एक छोटी सी बात है बस। तो क्या ज़रूरत है, देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, संसद बन रहा है, आपको RMR पक्का होने में क्या ज़रूरत है? सर ज़रूरत तो है ना सर, 12,000 से 14,000 रुपए की तनख्वाह के अंदर मतलब क्या कर पाएंगे? ये बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई भी है, उनकी एजुकेशन नहीं मिल पाती है ठीक तरीके से, उनको जो है मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है, और आधा किराए भाड़े में निकल जाते हैं, कुछ लोग किराए पे रहते हैं, बहुत समस्याओं का वो है सर इसमें तो। और अगर ये लोग परमानेंट हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, तो इनको वो सारी सुविधा मिलेंगी जो आज की डेट में कर्मचारियों को मिलती हैं, लेकिन इनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। बहुत से लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली है, लेकिन जो बातें बताई नहीं जाती आर्थिक स्थिति के कारण। अब हमारी जो NDMC अधिकारियों से गुजारिश है, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि आप इन लोगों की समस्याओं को सुने और इनको स्थायी करें, इनको पक्का करें, जिस तरीके से आप देख रहे हो कितने लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन आप लोग जो है आरोप लगता है कि काम सही से नहीं करते, लापरवाही बरतते हैं। अभी UP से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बोबी नाम के सफाई कर्मचारी थे, वो प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी की फ़ोटो कचरे में डालकर ले जा रहे थे, तो मथुरा के वृंदावन के जो एडिशनल कमिश्नर थे उन्होंने बर्खास्त कर दिया, तो इसको कैसे सुधारेंगे? देखिए सर वो खबर को तो उससे मैं जानूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा भी है कि ये जो NDMC जो डिपार्टमेंट है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे मतलब NDMC चेयरमैन को बाकायदा प्रधानमंत्री से इनाम मिलता है उस साफ सफाई के लिए, हॉर्टिकल्चर ये नंबर 1 पे NDMC डिपार्टमेंट आता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके का ये NDMC इलाका है नई दिल्ली क्षेत्र का, ये सारा NDMC के अंडर में आता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी एम्बेसियाँ हैं और सभी सांसद और मंत्री सब यहीं रहते हैं, तो
इस तरह अभी बीच में आपने देखा होगा यहाँ पर काफ़ी बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से सारे पेड़ पौधे मतलब ग्रस्त हो गए थे, रोड जाम हो गए थे। रात दिन एक करके इन कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से 24-24 घंटे यहाँ पर रुक कर इन्होंने इतनी मेहनत करी, वापस NDMC को उसी पोजीशन पर लिया है जिस तरीके से ये थी, साफ़ सुथरी और बढ़िया। वो भी वही मेहनत कर रहे थे जिनको आज की डेट में 12-13 हज़ार रुपये मिल रही है, जिन्हीं लड़कों ने जो आर धरना दे रहे हैं अपना पक्का होने के लिए, उन्हीं ने पूरे जो ये पेड़ की आपदा आई थी इन्होंने आरमार ने ही पूरा वो किया था, काम किया था, साफ सफाई की थी। यूपी में जो मथुरा में जो इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर एक बोबी नाम के कर्मचारी को निष्कासित कर दिया गया, वो संविदा पर थे, उससे बाखबर हैं आप? जी मेरे को उनके बारे में कोई पता नहीं है, बट जो उन्होंने किया है वो गलत किया होगा, बट हमारे यहाँ पे NDMC के एरिया में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से हमारे चेयरमैन साहब को बकायदा पूरे NDMC को एक नंबर पर पूरा जो ये साफ सफाई के ऊपर उनको अवार्ड दिया गया है, तो ऐसे हालात देखते हुए तो हमारा कोई कर्मचारी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है। नहीं तो फिर क्या दिक्कत है जब नंबर वन का आपको खिताब मिल जाता है और आपको प्रधानमंत्री जी अप्रिसिएशन भी दे देते हैं जी, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जी, दिक्कत हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारा ऑलरेडी 8/4/2020 में काउंसिलिंग की मीटिंग में हमारा पक्के होने का प्रस्ताव पास हो गया है, बट किस कारण से किस या क्या समस्या आ रही है कि हमें हमारे वो ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे अगर वो ऑर्डर मिल जाएंगे तो हमें जो हमारा जो वेतन होता है और जो मेडिकल फैसिलिटी होती है और जो भी वो सुविधा होती है कैसे वगैरह, वो हमको सब कुछ मिलेगा। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, MCD को? देखो जी, हम किसी को सरकार नहीं मानते, एक NDMC एक ऑटोनॉमस बॉडी है कि अपना खुद अपना डिसीजन ये ले सकती है, इसमें बस हमारा बस हमें किसी राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। हमारे जो ये वाइस चेयरमैन जी हैं सतीश उपाध्याय जी, उन्होंने हमें बड़ा आश्वासन दिया है। ऑटोनॉमस बॉडी है लेकिन कोई तो होगा इसका जो देख रेख करता होगा, जो डिसीजन मेकर होगा, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर हमारी पहली बार फाइल गई हुई है, नहीं आज से 4-5 बार भी ऐसी ही जो आरमार होते थे वैसे पक्के होते थे, बट फर्स्ट टाइम में ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ ये इस चीज़ की जानकारी हमें भी नहीं है। क्या कह रहे थे आप, होम मिनिस्ट्री के अंदर? होम मिनिस्ट्री के अंदर हमारा जो है NDMC आता है। तो फिर क्या वजह है कि वहाँ से आपको अप्रूवल नहीं मिला? वहाँ से अप्रूवल मिल चुकी है, अब हो चुका है, वहाँ का मामला भी अब जो है वो मामला फिट हो चुका है, और थोड़ा समय तो लगा क्योंकि थोड़ा सा कुछ समय की बात है, समय लगा तो हो गया। तो फिर ये धरना क्यों? अब वहाँ से हमारा फाइल आ जाए, फाइल अभी हमारी वही है। अब मैं यही आग्रह करते हैं होम मिनिस्टर साहब से और NDMC प्रशासन से कि ये फाइल मंगा के जल्द से जल्द हमें RMR कर्मचारी को पक्का करें, क्योंकि हमारा उम्र 50 साल से ऊपर हो रहा है, और देखिए आप देख ही रहे हैं दांत भी सारा टूट चुका है, अब सारा उम्र यहीं बीत गया। अब मैं यही आग्रह करूँगा कि अब जो है परीक्षा ना लें, अब हमारे RMR कर्मचारी को जल्द से जल्द परमानेंट करें। 4500 RMR कर्मचारी हैं, तो वो परमानेंट क्यों करेंगे? आपके कर्मचारी जो हैं प्रधानमंत्री और योगी जी की तस्वीर कचरे में फेंक के ले जाते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो हमारे यहाँ जो है हम NDMC के मथुरा के आगरा में ये ये चीज़ के बारे में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है सर। और हम यहाँ NDMC के बाद जहाँ के हम नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल ही ऐसा है कि उनका सबसे सभी भक्त है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दुम्मत नहीं है। बस हमारे कर्मचारियों को जो हमें 20 में ऑर्डर हुआ है, बस इस ऑर्डर को करते हुए हमें RMR कर्मचारी को पक्का कर दें। 4500 RMR कर्मचारी हमें, और हमें जल्द से जल्द हमारे घरों में खुशियाँ हों, दीप जले, जिससे कि उनको भी उनका भी जब बाबाई हो उनका भी नाम हो और हमारे RMR कर्मचारी जल्द से जल्द पक्का हो। तो खुश हैं मोदी जी से? हाँ खुश हैं सर, वो काम कर रहे हैं हमारे RMR कर्मचारी के, और हमारे सतीश उपाध्याय जी का मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे RMR कर्मचारी के लिए अपना परिवार माना कि ये हमारा जो है परिवार है, RMR परिवार है, इसलिए हम आपको कुछ जो है कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, आपके साथ इंसाफ होना है, आपको परमानेंट करा के हम छोड़ेंगे। ये हमारे सतीश उपाध्याय जी जो हमारे NDMC के वाइस चेयरमैन साहब हैं और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत अच्छे ये हैं, और उन्होंने हमारा काम कराने के लिए अब वो हमारे बीच में जल्द से जल्द आएंगे और हमें घोषणा करेंगे। चलिए और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर लगातार जो RMR को पक्का करने की बात कर रहे हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? और इस कमरे में कोई आ नहीं सकता। क्या क्या आप करने आए हैं? धरने में आए, आप भी परमानेंट की मांग? हाँ जी, हम भी परमानेंट की मांग कर रहे हैं। क्यों आपको परमानेंट किया जाए? क्योंकि काफी दिनों से काम कर रहे हैं, 10 दिन हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए, 12-12 साल हो गए काम करते करते। आपको कितने साल? मुझे हो गए 11 साल। परमानेंट नहीं हुए अभी तक? परमानेंट क्या करेंगे?
जैसे आज काम कर रहे हैं वैसे काम का आगे भी करेंगे, काम तो कर ही रहे हैं। सही करिए, इतना विश्वास बनाए रखो, क्या जरूरत है पर सैलरी नहीं है ना, 12,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, परमानेंट हो जाएंगे तो फिर उससे जो सबको मिल रहे उस हिसाब से हमें भी मिले, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी सैलरी। अभी 12,000 12-13 हजार रूपए काट पेट के मिलते हैं, बिल्कुल। जिस दिन छुट्टी कर लेते हैं उस दिन की एब्सेंट हो जाती है। चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आप? सोनू कुमार सर। सर आपको भी परमानेंट होना है? बिल्कुल होना है, क्यों नहीं होना, जब काम करते तो होना है ना, बिल्कुल होना, क्यों नहीं होंगे। नहीं, जब अगर आपको नहीं निकाला जा रहा, आप लगातार काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर क्या परमानेंट होने की क्या जरूरत है? 12,000 में आप चला के देख लो, या जिनका नहीं हो रहा, जिनकी लाख लाख दो दो लाख रुपए सैलरी है उनको चला के देख लो, आप उनको दे के देख लो ना एक बार 12,000 रुपए, और वो तब बताएंगे 12,000 में उनका काम चल रहा है नहीं चल रहा, बच्चे पल रहे नहीं पल रहे हैं, खाना टाइम से मिल रहा है नहीं मिल रहा, फीस जमा हो रही है नहीं हो रही है, दवाई या फलाना ढिकाना दुनिया भर ना हॉस्पिटल है ना कुछ है, क्या करे 12,000 में? 12,000 कम है नहीं, और क्या कम है, क्यों नहीं कम है? राशन गैस बिजली पानी कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि हम राशन बांट, मोदी जी जिसको दे रहे होंगे उसके दे रहे होंगे, हमें नहीं मिल रहा ना, हमें चाहिए, हमें मेहनत का करते हैं, मेहनत का बहुत है हमारे लिए, जिनका फिरों को चाहिए ना उनको बढ़िया है, वो अपने खाए और मजे ले, यहाँ मेहनत का करते हैं, मेहनत का खाते हैं, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, अपना हक लेके ही उठेंगे यहाँ से, इससे पहले नहीं उठेंगे। तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है? नहीं खुश है, वो अपनी जगह खुश कर रहे हैं, पब्लिक को जिसको कर रहे होंगे, हम अपनी जगह काम कर रहे हैं, हमारा मोदी जी से कोई मैटर ही नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ वो माननीय प्रधानमंत्री है, उनके लिए सच सच नमन है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए सब अपना, हम अपना यहाँ काम कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी ने अभी कहा है कि रेबड़ी कल्चर फ्री वाली रेबड़ी में मत फंसिए, रेबड़ी मेहनत करिए। नहीं मेहनत ही कर रहे हैं 12,000 में, अब एक बार खून पसीना करके इतना काम करते हैं, अब कोई पब्लिक गड्ढे खोदती है पूरे दिन, कहीं कूड़ा उठा रही है, कहीं कुछ कर रही है, 12,000 रुपए में, 12,000 रुपए मोदी जी से और दूसरे बंदों से ये पूछ लो कि 12,000 में उनको उठवाओ ना, उनके कराओ तो तब पता लगे। आपको यूपी वाली घटना की खबर है? नहीं, मथुरा में एक कर्मचारी को निकाल दिया गया? नहीं मुझे नहीं। चलिए आपको वो कहते नहीं पता। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ सर? आशीष। आशीष आप भी परमानेंट होंगे? बिल्कुल। क्यों? क्यों हम इतने समय से अपनी नौकरी हम दे रहे हैं समय, और आप भी कह रहे हो कि भाई क्यों होना है? नहीं तो जब आपकी नौकरी लगातार चल रही है, सैलरी मिल रही है, तो फिर परमानेंट होने की क्या जरूरत है? कितनी मिल रही है हमारे को? 12,000 रुपए? 12,000 रुपए तो ऐसे कह रहे हो, इधर डॉलर है, डॉलर ये आज के जमाने में मोदी जी फ्री कहाँ राशन दे रहे हैं? देखो जी, केजरीवाल फ्री बिजली दे रहे हैं, देखो केजरीवाल फ्री बिजली दे रहे हैं, वो नाम की बिजली फ्री है, ठीक है, और वो तो दारू भी फ्री में दे रहे हैं, हम तो नहीं पीते दारू, हैं? आप ये भी तो बताओ ना, दारू फ्री में दे रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे दारू फ्री में, जो चीज़ देने वाली चीज़ है वो दो ना, जो हमारे हक की जो हक है वो दो हमारे। पब्लिक ना यहाँ बीएससी बायोलॉजी से, मैं बीएससी बायोलॉजी से किया हुई है, मुझे 12,000 रुपये मिल रहे बीएससी बायोलॉजी वाला, आप बताओ एग्रीकल्चर कोर्स करे तो क्या करेगा? आप छोटी सी बात बताओ, जो यहाँ पे बंदे ना अकाउंट्स का भी काम कर रहे हैं, अफसरों का अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, क्लर्क का काम कर रहे हैं, सीनियर क्लर्क का काम कर रहे हैं, सारा जो बंदों की सैलरी बनाते हैं उनका काम कर रहे हैं, अब आप बताओ 12,000 रुपये में क्या करे हो फिर? वो छोटी सी बात, उनको चाहिए नहीं, उनका अपना हक चाहिए और लेके उठेंगे, मैं ये बोलना चाहता हूँ बस। तो देखिए ऐसे हालात, एक तरफ यूपी में संविधान पर कर्मचारी को, अगर वो उनकी योगी जी की तस्वीर लेकर जा रहे थे तो उनको संविधान पर थे जो, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ एनडीएमसी में पिछले 8 महीने से ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको परमानेंट किया जाए, लेकिन अभी भी कोई ऐसा रिजल्ट निकल के नहीं आया है। इस वक्त जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे थे, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनहित आवाज़ दिल्ली।